नगर परिषद चुनाव को लेकर जो है चेयरमैन पद से जो है आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार अशोक जैन जो है अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, इन्होंने वोट डाला है, क्या कहना है? सबसे पहले तो हम वोट तो मैं 7 वार्ड में अपने डाल चुका हूं, लेकिन मेरे को जैसे ही मैसेज मिला कि हरियाणा स्कूल के जितने 5 बूथ हैं वहाँ कुछ आशंका है, लेकिन 12:30 बजे तक शहर बिल्कुल शांत था। जब पूरे शहर में झाड़ू चला, लोगों ने अपनी जनभावना के अनुकूल आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को वोट दिया, बदलाव की लहर चली हुई है, सत्ता परिवर्तन की लहर है, तो सामने विपक्ष वाले बौखलाए हुए। मैं पूरी हरियाणा की जनता से अपील करता हूं, बिल्कुल कूल रह के, मन बना के, बिल्कुल आत्मा की आवाज़ से वोट करें, अपने शहर के सौहार्द को बिगड़ने ना दें, आपसी भाईचारा बना के रखें। ये एक सुनियोजित चाल है, साजिश है। मैंने अभी प्रशासन से, माननीय DC साहब भी थे, SDM से, उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि हम सारे इतने बूथों को, 51 बूथों को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, इस तरह के लोग हैं उनको ढूंढ के चिन्हित किया जाए और उनको यहाँ से दूर किया जाए ताकि हमारा मतदान शांतिपूर्ण क्या हो सके। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भाई कई स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग या कुछ इस तरह की घटना, या बूथ कैप्चरिंग का आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कर रहे हैं इम्परसोनेशन, वो किसी की वोट कोई डालना चाह रहा है, कोई जाके बटन दबा देता है, इस तरह की छुटपुट घटनाएं ये सामने आ रही हैं। हम उनको चिन्हित करना चाह रहे हैं, पर हम प्रशासन से भी अपील करते हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है, बड़ी अच्छी चाक चौकस हमारी व्यवस्था है, अच्छा वो है, पार्टी हमारी अच्छी है और जो मतदान कराने में सक्षम है, और मैं ये चाहूँगा कि बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मतदाता अपना मतदान करें, निडर होकर करें, किसी भय में ना करें। हमने पहले ही नारा दिया था हम ऐसा एक वो देंगे भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, अहंकार मुक्त, तो उसी के अनुरूप हमारी गोहाना की जनता अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दे रही है और झाड़ू चल चुकी है, गंदगी साफ हो चुकी है, एक ऐसी गंगा जल की पवित्र बनाने के प्रयास में हमारी जनता है। मैं पुनः पुनः अनुरोध करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, किसी भड़काऊ बातों में ना आए, एक आध कोई करे तो उसको पकड़ के हाथ जोड़ लो, कोई बात नहीं भाई, तेरी आत्मा तेरे पास, इन्हीं शब्दों से मैं पुनः पुनः अपील करता हूँ। जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला उनके लिए क्या कहना? उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि घर में ना बैठे, परिवर्तन करना है सब मिलजुल के। अभी मात्र 40% पोलिंग हुई है, इसको 80% तक पहुँचाएं, मिनिमम 100% मतदान करें, घरों में ना रहो, घरों में ना रहो, सिर्फ 5 घंटे शेष है, 1 बज चुका है, 6 बजे तक अपनी पोलिंग है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एक एक मतदाता अपने बूथ तक पहुंचकर मतदान करें, निष्पक्ष मतदान करें। तो आम आदमी पार्टी से जो है चेयरमैन पद के उम्मीदवार अशोक जैन, उनका कहना है कि सभी जो है जिन्होंने वोट नहीं किया वो अपने घरों से बाहर निकले और वोट करें, निष्पक्ष वोट करें। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।